बजे की घटना हो गई थी, लेकिन मैडम वो लोग वहाँ पर पूरा इतना उग्र थे कि हम लोग फिर क्या करते, फिर वहीं पर रुके रहे, बाकी पुलिस और ये सब लोग एक्टिव हो गए थे। ठीक है आशीष जी, एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स खेत में पड़ा हुआ है और कुछ लोग लाठी डंडों से उसे पीट रहे हैं। वो शख्स ड्राइवर है मेरा, वही गाड़ी चला रहा था मेरी थार जी, वो उसका नाम हरि ओम है, वो मेरा ड्राइवर है और वही गाड़ी बेचारा थार लेकर के गया। आशीष जी क्या नाम है आपके ड्राइवर का? हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम जी। अब वो इतना सीधा मैडम आदमी है, वो कोई भी बिल्कुल क्या कहा जाए, मतलब इस तरीके का घटना करना, आप ये तो ठीक है आशीष जी, यानी आप ये कह रहे हैं आशीष जी है। एक मिनट सुनिए, मैं भी किसान हूँ। ठीक है आशीष जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी तो थी, आपका ड्राइवर था, लेकिन आप गाड़ी में नहीं थे, किसको लेकर जा रहा था आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी उस वक्त? मैडम हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारा अतिथि आता है तो उसको हम लोग रिसीव करने जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई मंशा होती तो ऐसी अगर कोई मंशा होती मैडम तो दो तीन आदमी, दो तीन वाहन जाते खाली, अगर कोई ऐसी घटना होती जी, तीन वाहन थे मैडम, उसमें कार्यकर्ता थे, फूल माला और कार्यकर्ता थे। आशीष जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप ये लगाया है आप पर कि पहले आपने फायरिंग की, फिर उसके बाद आपने किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी। वो तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आप उस रास्ते से निकले थे। अच्छा मैडम, जब मैं वहाँ था ही नहीं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए आज की डेट में तो मैडम दुनिया बहुत आगे पहुँच गई, तो वहाँ पर कम से कम सैकड़ों ऐसे मोबाइल होंगे जो दंगल में चल रहे होंगे। ठीक है चलिए आशीष मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि आप घटना स्थल पर नहीं थे, आप मुझे बता सकते हैं कितनी दूरी रही होगी आपकी, आप उस वक्त कितनी दूर रहे होंगे घटना स्थल से? कम से कम मैडम 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर, जहाँ पर बनबीरपुर हमारा गाँव है, जहाँ पर दंगल होता है। आशीष जी ये बताइए मुझे, जब आपको सूचना मिली, जैसे आपने बताया कि आपको सूचना मिली, उस वक्त आपने क्या किया, आप घटना स्थल पर पहुंचे? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, कहाँ थे आप उस वक्त? हम वही मैडम दंगल वाले पर ही थे, वही थे, दंगल वाले ही स्थान पर थे, वही मंच पर ही थे मैडम, मंच पर मैं वहाँ उस। ठीक है आशीष मिश्रा जी, कौन सी जगह थी आप एग्जैक्ट बता पाएंगे मुझे जहाँ पर हम थे? जी जी, बनबीरपुर के पंचायत सरकारी स्कूल में, बनबीरपुर के सरकारी स्कूल में हम थे वहाँ। ठीक है, आप घटना स्थल पर नहीं गए, आपने किया क्या, आपने पुलिस प्रशासन को क्या इन्फॉर्म किया, सूचना दी उस वक्त? प्रशासन, डीएम और सब लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे, सब डीएम और एसपी और पूरा सरकारी अमला वहाँ पर मौके पर पहुँच गया था, वही थे। ठीक है अजय मिश्रा जी, अभी आप फिलहाल कहाँ पर हैं? हम मैडम लखीमपुर। आशीष जी आप अभी लखीमपुर में हैं? वही है जी, यही जनपद जिला ही है मेरा। अच्छा आशीष जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा घेरा में रखा गया है, चारों तरफ से सुरक्षा बल आपके साथ है, आपकी जान को भी खतरा है, सच्चाई है इस बात में? नहीं, अब हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको ये नहीं लग रहा है कि जो सच्चाई है, देखिए हम सत्य के साथ हैं, अगर सत्य है इस संसार में तो सत्य होना चाहिए बस। ठीक है देखिए, लगातार अजय आशीष मिश्रा जी, लगातार हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बातें कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी से भी हमारी बात हुई थी, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। अभी जो विजुअल हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि आपके ड्राइवर को पीटा जा रहा है लाठी डंडों से, हरिओम नाम बता रहे हैं, उनमें से किसी को आप पहचानते हैं आशीष जी? किसको? जो लोग पीट रहे हैं आपके ड्राइवर को, जिनके हाथों में लाठी है? नहीं नहीं, हमारे जनपद के नहीं, हमारे जनपद के नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब बाहर, सब बाहर के हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में आशीष जी लोग कहाँ से आ गए? मैडम अब ये तो हमको क्या पता कहाँ से आ गए। नहीं आशीष जी देखिए, जी वो टिकैत जी बताओ कहाँ से आ गए जी। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले, आपसे थोड़ी देर पहले आपके पिता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, देश के गृह राज्य मंत्री है वो, हमारे वो मेरे जीवन में जी, मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे हम तो केवल एक अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ सैनिक कार्यक्रम जो हमारे यहाँ जीवन होता रहता है, करीब 35 सालों से चल रहा था, इस बीच में किसने क्या षड्यंत्र किया, क्या किया, क्योंकि हम बहुत राजनीतिक आदमी मैडम नहीं, हम लोग गाँव से जुड़े हुए आदमी। ठीक है आशीष जी, आप कह रहे हैं आप खुद भी एक किसान है, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि आपके पिता की तरफ से, आपकी तरफ से लगातार भड़काने का काम किया गया, लगातार उनके आंदोलन को नीचा दिखाने का काम किया गया, धमकाने का काम किया गया। मैडम इतना हमको ज्ञान नहीं है, हमको केवल इतना ही है, लीजिए भैया जी से बात करिए, बता जी मैडम।
आशीष जी। जी जी आशीष जी हैं आप हमारे साथ? हाँ आशीष जी हैं, बताइए मैम। आशीष जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा यही आपसे सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि कई किसान भी जो हैं वो घायल हुआ है और हमारे पास तस्वीरें भी हैं, हम दिखा भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिखा देंगे आपसे थोड़ी देर में, वो किसान कैसे घायल हुए? वो मैम मैं कैसे बता सकता हूँ कैसे घायल हुए, वो एक बात बताइए जो ये लोग घायल हुए हैं जो लाठी चलाते हुए वीडियो है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से लाठी से पीटा जा रहा है, जीप गिराई जा रही है, जीप में आग लगाई जा रही है, वो वीडियो है आपके पास? वो भी वीडियो है, देखिए आशीष जी हम वो भी वीडियो दिखा रहे हैं और देखिए अभी 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 एक वीडियो देखिए जब दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं आशीष जी वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए आशीष जी, आशीष जी आशीष जी आशीष जी देखिए सुनिए मेरी बात, हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं लेकिन जब दूसरे विजुअल पे मैं सवाल पूछूंगी और आप कहेंगे आप वो नहीं दिखा रहे हैं ये नहीं दिखा रहे हैं। अरे मैडम मैं वहाँ ना मौजूद था, गाड़ी कैसे वो घायल हुए पूरी घटना जो लोग कार्यकर्ताओं ने बताई वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। अब ये लोग जो भी जा रहे थे रिसीव करने उनकी गाड़ी पर जब पथराव हुआ गाड़ी पलट गई आगे वाली जीप, उसके नीचे जो भी दबे एक दो लोग उसके बाद फिर उन तीनों लोगों जो गाड़ी में थे तीनों मार दिए गए, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने घसीट के उनको मारा लाठी डंडों से, आग लगा दी पीछे वाली गाड़ी में भी आग लगा दी, टोटल घटना ये है मैम। आप आशीष जी बोल रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी आवाज आपकी बदली हुई लग रही है। जी जी बोल रहा हूँ मैम, सुबह से जवाब ही दे रहा हूँ मैम दोपहर से, और भी पत्रकार मैम है मैं सबको जवाब दूंगा, सब सच है तो सच है मैम। और मेरी रही बात मौजूद रहने की, मैं अखाड़े पर यहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ पर था क्योंकि उसका अध्यक्ष मैं हूँ, मैं ही कार्यक्रम करा रहा था। ठीक है आशीष जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, पूरा देश उस वक्त आपको एबीपी गंगा पर देख रहा है सुन रहा है। देखिए मैम सच बात यह है कि किसान इस देश के लिए है, उसके सम्मान भी हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पहले से ऐसी गतिविधियां रखना चाहते हैं जिससे कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो किसान नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जो आपके घुसों बीच में जा करके ये सब माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने से दूर करें, उन अराजक तत्वों को पहचाने और वो ठीक है। आशीष जी आशीष जी फिर देखिए आप जो बातें कर रहे हैं आपको लगता है आप मान रहे हैं कि वहां पर चूक तो हुई है कोई ना कोई पुलिस प्रशासन से इतनी बड़ी संख्या में, और आप कह रहे हैं कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं, कैसे आ गए बाहर से इतनी बड़ी संख्या में? अभी मैं नहीं मैं देखिए मैम, हाँ पुलिस प्रशासन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये घटना जो है क्यों घटी कैसे घटी प्रशासन का क्या है उनका अपना व्यू वो सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैम मेन बात यह है कि जो भी मृत्यु हुई जो गाड़ी के नीचे दबे हैं दो लोग उनकी पहचान नानपारा बहराइच के निवासी के रूप में हुई है। ठीक है आशीष एक बात का और जवाब दे दीजिए, आपने बताया आपके समर्थक थे आपके कार्यकर्ता थे जिनके काफिले पर हमला हुआ, हमारे लिए भाजपा के कार्यकर्ता थे वो केशव प्रसाद जी को लेने जा रहे थे। बिल्कुल आशीष जी ठीक है, आप मुझे बता पाएंगे कितनी संख्या होगी आपके कार्यकर्ताओं की समर्थकों की? कहाँ पर जो जा रहे थे रिसीव करने के लिए जिस काफिले पर हमला हुआ? तीन चार गाड़ी में थे पर आगे वाली गाड़ी में चार पांच लोग थे और उसके पीछे दो तीन लोग थे, सब अलग अलग जगह के कार्यकर्ता थे, गाड़ियां सब वहां कार्यक्रम पे खड़ी थी, दो तीन गाड़ी लेके वो गए थे कि वो एक रिवाज होता है कि काले सनन शिव जी के मंदिर पर माला पहना देंगे। ठीक है आशीष मिश्रा जी आपकी फिर बातचीत हुई अपने उन कार्यकर्ताओं से जो फंसे थे वहां पर, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बताया कैसे निकल कर भागे वो उस भीड़ के बीच में से? नहीं हाँ उनसे मैम हो रही लगातार हम लोग उसी में सूचित में जो मिल रही है सब कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के भी लोग हैं तो मैम यहाँ आए हैं। बताया उन्होंने कि वो कैसे वहाँ से निकल के भागे क्योंकि हम भीड़ देख रहे हैं बहुत भीड़ है सबके हाथों में लाठी डंडे हैं गाड़ी जो है वो तो पलटी जा रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ मैम जो गाड़ी पलटी जा रही है उसमें बीजेपी कार्यकर्ता है, जो भीड़ है और लाठी है वो ही है वो जो किसान कह रहे हैं। ठीक है आशीष जी देखिए जो हुआ वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तस्वीरों को नहीं नकार रहे हैं। बिल्कुल मैम आशीष जी अब आपको आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं किसान अड़े हुए हैं, आगे आपका क्या कदम होगा? अब मैम मेरा क्या होगा जब सच्चाई है तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ था पूरा उसका, तो मैम ये तो नहीं कि कोई दंगल का बड़ा कार्यक्रम उसमें हो जाएगा बंद कमरे में, बहुत बड़ा था
वो था और उसपे हजारों लोग संख्या में आते हैं, 50 साल पुराना कार्यक्रम है, सब जानते हैं। मंच पर लगातार मैं मौजूद रहा, सीएम डीएम वहाँ पर जो भी प्रशासन के लोग थे उन्होंने भी देखा, वीडियो भी हैं, फोटोज भी हैं, सब है उस कार्यक्रम में। मैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक जब समापन कर दिया है तब तक तो मैं वही था स्टेज पे। ठीक है आशीष जी, देखिए आपके पिताजी का बयान आपसे कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रूट डाइवर्ट किया गया था। जब रूट डाइवर्ट था और प्रशासन को पहले से जानकारी थी तो उसी रास्ते से क्यों निकला काफिला? क्या आपके कार्यकर्ताओं को आपके समर्थकों को जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं मैम, नहीं नहीं आप समझिए, ये जो जो रास्ते पे हुआ है इससे ही आगे जाके वो मैम कटा है, आगे से वो उधर से आ रहे थे तो उनको वहीं से उधर को कटना था, ये इस तरह वाला रास्ता छोड़ना था, हमको उनको वहीं बीच में पकड़ना था। ठीक, यानी आप ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही हुई है। आशीष जी, वो वीडियोस के बारे में आप क्या कहेंगे जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार किसान उसे मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप और आपके पिता लगातार आंदोलन पर भड़काऊ भाषण देते हैं, धमकाते हैं? मैम सारी सच्चाई है, आप जानती हैं, इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं जो बताना पड़े। कभी हम लोगों ने किसान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कभी किसान से कुछ बोला नहीं। जो 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 भी किसान होगा मैम उसके साथ तो देश होता है, लेकिन क्या आप जो खुद कह रहे हैं कि इतनी भीड़ है, लाठी डंडा है, ये क्या आप किसान लग रहे हैं? ठीक है आशीष जी, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुलाकात करेंगे आप उनसे, बात रखेंगे अपनी? जी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुँच गए हैं वहाँ पर, मुलाकात करेंगे आप उनसे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे? मैम जैसा अभी वहाँ पर जैसा प्रशासन कहेगा, जो हमसे पूछना चाहेगा वो बात होगी मैम। यानी आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे जांच में? अरे मैम क्यों नहीं करेंगे, और हम चाहते भी हैं इसकी हाई लेवल जांच हो, सच्चाई तो आए सामने कि आखिर का क्या हुआ, इसके पीछे किन लोग हैं, कौन किन का हाथ, ये आना चाहिए मैम, उनका पूरा सहयोग साथ में समर्थन, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो जाँच सब कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी। ABP News आपको रखे आगे।